नमस्ते, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी होती है उनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है प्रोपिगेशन की, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक निश्चित संचरण की दिशा होती है। और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती है, मतलब प्रोपिगेशन के डायरेक्शन की परपेंडिकुलर जो डायरेक्शंस है उन पर वेव कंपोनेंट्स बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। मतलब जो तरंग के घटक होंगे वो इस संचरण की दिशा के लंबवत वाले जो दिशा के निर्देशांक है उन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि वो निर्भर नहीं होते, दैट मीन्स कि यदि हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब जो हमारी तरंग है उसकी एक्स दिशा में गमन कर रही है वो, तो ई और बी जो हमारे होते हैं वो दोनों के दोनों वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब ई और बी वाई और जेड निर्देशांकों पर निर्भर नहीं करेंगे। तो हम मैथमेटिकली उसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू ई एक्स टी एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स टी, दैट मीन्स डेल ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल ओवर डेल जेड, जो हमारा वो जीरो के इक्वल होगा। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो देखिए, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है वो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिल्कुल ट्रांसवर्स होता है नेचर में, मतलब समतल विद्युत चुंबकीय तरंग से वो अनुप्रस्थ होते हैं। तो देखिए, मतलब क्या होगा, इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रो इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगी, और मतलब और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दोनों के संचरण दिशा होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है, और वो जो डायरेक्शन प्रोपेगेशन वेव की उससे भी लंबवत होती है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए, क्योंकि हम लोग के पास है रो जो होता है हमारे पास जीरो होता है, जे भी हमारा जीरो होता है, इससे मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाती है, हमारे पास डेल डॉट इन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल डॉट इक्वल्स टू रो ही होता था हमारा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, आप डेल डॉट टी जो होगा हमारा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, डेल ई एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ई वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ई जेड ओवर डेल जेड इक्वल टू जीरो। देखिए, ये दोनों चीज़ तो हम लोग को पहले ही पता है कि जीरो होता है, क्योंकि डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड जीरो होता है। अब हमारे पास इससे क्या जाएगा, डेल ई एक्स ओवर डेल एक्स वो होगा वो भी जीरो होगा, दैट मीन्स ई एक्स हमारा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट होगा, दैट मीन्स ई एक्स हमारा दूरी के सापेक्ष नियत रहता है। दूसरी क्वेश्चन हमारी होती है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, इससे हमारे पास आ जाएगा डेल बी एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल बी वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल बी जेड ओवर डेल जेड इक्वल टू जीरो। इससे हमारे पास आ जाएगा डेल बी एक्स ओवर डेल एक्स जो होगा हमारा वो भी इक्वल टू जीरो होता है, दैट मीन्स बी एक्स जो हमारा होता है वो भी कॉन्स्टेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब दूरी के सापेक्ष बी एक्स भी हमारा नियत रहता है। थर्ड इक्वेशन हमारी होती है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल टी, ये वाली में हम लोग ये रखेंगे। तो देखिए, ये दोनों तो जीरो होता है, डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इधर एक्स जैक माइनस डेल ओवर डेल टी आई के बी एक्स प्लस बी जैक की बी जेड बी वाई प्लस के कैप बी जेड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई कैप के कोएफिशिएंट्स हो उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, इधर साइड आई कैप का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा इधर, और इधर साइड आई कैप का क्या कोएफिशिएंट होगा, डेल बी एक्स ओवर डेल टी। तो इससे हमारे पास जाएगा डेल बी एक्स ओवर डेल टी जो हमारा वो इक्वल टू जीरो होगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बी एक्स जो होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में भी कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स बी एक्स समय के सापेक्ष भी नियत रहता है। फोर्थ इक्वेशन हमारी होती है डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू न्यू ई डेल ई ओवर डेल टी, इससे में भी हम लोग जब आई कैप के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमारे पास आता है डेल ई एक्स ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ई एक्स जो होता है हमारा टाइम के सापेक्ष कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स ई एक्स हमारा समय के सापेक्ष नियत रहता है। तो देखिए, दैट मीन्स हमारा ई एक्स और बी एक्स दोनों के दोनों एक्स और टी के सापेक्ष कॉन्स्टेंट होते हैं, एक्स और पी के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज होते हैं, इसलिए हमारा जो वेव मोशन होगा उसके अंदर, देखिए वेव मोशन हमारा होता है वो तो हमारा वेरिएबल होता है, राइट, हम लोगों को पता है उसकी जो फील्ड्स होती है तरंग गति में वो वेरिएबल होती है, इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसा वाला कुछ आता है। लेकिन ई एक्स और बी एक्स हमारे पास दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई एक्स और बी एक्स होगा हमारे पास वो दोनों जीरो होंगे। तो हमारे पास रहेगा ई इक्वल टू ई वाई जेके प्लस ई जेड के, वो बी इक्वल टू बी वाई जेके प्लस ई जेड के। अब इससे हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की नहीं होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, ट्रांसवर्स होती है नेचर के अंदर। अब दूसरी हमारी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए, मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है ई एक्स और बी एक्स हमारे पास जीरो था, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वाई जेड प्लस ई जेड का क्यों, तो ई हमारे पास रूट ऑफ ई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग जब कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा ई वाई कॉस्ट ई ओ वाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ई जेड कॉस्ट ई ओ जेड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
तो इसको हम लोग जब मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल टी। तो देखिए इससे हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे पी एक्स था वो तो हमारा जीरो हो जाएगा और ई एक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स जीरो 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 ई वाई ई जेड माइनस डेल ओवर डेल टी बी वाई जे के प्लस बी जेड के। तो वो हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले जे के पी कोएफिशिएंट से उनको इक्वल किया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल ओवर डेल ई जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल बी वाई ओवर डेल एक्स डेल टी। तो देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ई जेड की जगह वो वाली इक्वेशन में हमारा जो आया था ई जेड का ई ओ जेड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स उसको रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ई ओ जेड कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस डेल बी वाई ओवर डेल टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल टी को उधर ले जाके टी के साथ एक्स में इंटीग्रेट करेंगे तो उससे हमारे पास आएगा बी वाई इक्वल टू माइनस के ई ओ जेड ओवर ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस के अपॉन ओमेगा ई जेड के इक्वल, क्योंकि ये वाली हमारी क्या थी, यही हमारी ई जेड था तो इसलिए हम लोग देखेंगे माइनस के अपॉन ओमेगा ई जेड, तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस ई जेड अपॉन वी के, क्योंकि वी हमारा क्या होता है ओमेगा अपॉन के इक्वल। तो देखिए ये तो हमारे पास आ गया बी वाई क्वेश्चन माइनस बी ई जेड अपॉन वी के इक्वल। अब यदि हम लोग क्या करें के क्वेश्चन से उनको इक्वल करें इस वाली इक्वेशन में से तो हमारे पास होता था माइनस डेल ई वाई ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू सॉरी प्लस डेल ई वाई ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल बी जेड ओवर डेल टी। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल ई वाई अपन डी एल एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल बी जेड ओवर डेल टी। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, ई वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो इससे हमारे पास उसको डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के सापेक्ष, तो आ जाएगा माइनस के ई ओ वाई कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल बी जेड ओवर डेल टी। अब इसको हम लोग टी के सापेक्ष में इंटीग्रेट करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी बी जेड इक्वल्स टू के अपॉन ओमेगा ई ओ वाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी ई ओ वाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा क्या था, ई वाई के इक्वल और ओमेगा अपॉन की हमारे पास क्या होता है वी के इक्वल, इसमें हो जाएगा बी जेड इक्वल्स टू ई वाई अपॉन वी। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को प्रूफ करना था ई और बी जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यदि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है दैट मीन्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यदि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आता दैट मीन्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा ई वाई बी एक्स सॉरी ई एक्स बी एक्स प्लस ई वाई बी वाई प्लस ई जेड बी जेड। तो ई एक्स और बी एक्स दोनों तो जीरो, तो इसलिए हो जाएगा ई वाई बी वाई होता है माइनस ई जेड अपॉन वी के इक्वल, तो वो लिख देंगे प्लस ई जेड बी जेड होता है ई वाई अपॉन वी के इक्वल, तो ये लिख देंगे तो इससे हमारे पास ई वाली वैल्यू जीरो आएगी, दैट मीन्स ई जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर होता है बी के। अब थर्ड हमारी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या फेज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कला क्या होती है वो हम लोग बताएंगे। तो देखिए हम लोगों ने जिसे अभी तक किया है वो क्या था कि प्रोपेगेशन यदि एक्स डायरेक्शन में है, एक्स दिशा में यदि संचरण कर रही है तो ई एक्स और बी एक्स हमारा जीरो के इक्वल होता है, बी वाई जो होता है हमारा माइनस ई जेड अपॉन वी होता है और बी जेड जो होता है ई वाई अपॉन वी होता है। तो देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर का, तो हमारे पास बी वैक्टर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बी वाई की जगह माइनस ई जेड अपॉन वी रख देंगे, बी जेड की जगह ई वाई अपॉन वी रख देंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएंगे वन अपॉन वी रूट ऑफ ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर का हमारा क्या होता था ई के इक्वल, तो बी हमारा क्या आ गया ई अपॉन वी के इक्वल। अब देखिए लेकिन हम लोग को जैसे पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वैक्यूम के अंदर वी क्या होता है सी के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग क्या पूछ सकते हैं बी जो होगा ई अपॉन सी होगा, और सी हमारा क्योंकि कॉन्स्टेंट होगा इसलिए बी जो होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो ई के, इसलिए हम लोग इससे बोल सकते हैं कि जो दोनों होंगे दोनों फील्ड्स वो दोनों सेम फेज के अंदर प्रोपेगेट करते हैं, मतलब दोनों क्षेत्र समान कला में संचरण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कलांतर नहीं आ रहा है। अब फोर्थ टॉपिक हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की प्रतिबद्धता, दैट मीन्स इम्पीडेंस ऑफ मीडियम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वैक्यूम के अंदर बात करेंगे, तो वैक्यूम के अंदर हमारा ई ओपन बी जो होता है हमारा वो सी के इक्वल होता है, वो होता है वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, राइट। अब देखिए ई अपॉन एच हम लोग निकालते हैं तो ई एच अपॉन एच क्या होता है हमारे पास रूट ऑफ म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, राइट। अब यदि हम लोग ई अपॉन एच की को यदि मीडियम के अंदर बात करते हैं तो वो हो जाएगा ई अपॉन बी, तो वो हो जाएगा सर ई अपॉन एच रूट ऑफ न्यू अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा, न्यू नॉट एप्सिलॉन था तो यहाँ पे न्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा जब मीडियम की बात करेंगे। अब देखिए हम लोग ई और एच की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो ई अपॉन एच की जब यूनिट की हम लोग बात करेंगे तो वो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू मीटर पर एम्पियर, तो इससे हमारे पास आ जाएगा वोल्ट अपॉन
एम्पियर। तो देखिए ये किसके इक्वल आता है, ओम के इक्वल। दैट मीन्स ई अपॉन एच की जो यूनिट होगी हमारी वो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। दैट मीन्स रूट ऑफ न्यू अपॉन एप्सिलॉन जो होता है हमारा वो इम्पिडेंस होता है मीडियम की। दैट मीन्स इसको न्यू अपॉन एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं ईटा, जो होता है कैरेक्टरिस्टिक या फिर इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ मीडियम, मतलब माध्यम का लाक्षणिक या फिर नैज प्रतिबाधा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि वैक्यूम के लिए क्या होता है। तो वैक्यूम के लिए हमारा क्या होगा, न्यू कल्स न्यू नोट जो होता है वो 4π इंटू 10⁻⁷ के इक्वल होता है। दैट और ई एप्सिलॉन जो होता है हमारा वो 9 × 10⁹ इंटू 4π·10⁻¹ के इक्वल होता है। तो इससे हमारे पास वैक्यूम के लिए जो इम्पिडेंस आएगी, प्रतिबाधा आएगी, वो हो जाएगी रूट ऑफ न्यू नोट अपन एप्सिलॉन नोट। तो वो इक्वल हो जाएगा 120π के इक्वल, जो कि इक्वल होता है 377 ओम के लिए। दैट मीन्स जो हमारा वैक्यूम के अंदर जो इम्पिडेंस होती है, प्रतिबाधा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, वो होती है 377 ओम। देखिए अब लास्ट है हमारा कि यदि प्रोपगेशन किसी और डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन के अंदर है, तो उस टाइम पे हम लोग ये कैसे लिखेंगे, तरंग की फलन कैसे लिखेंगे। तो देखिए ई जो होगा हमारा वो r, t के फॉर्म में लिख सकते हैं। उस टाइम पे वो हो जाएगा ई नॉट इलेस पावर आईटा की वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ओमेगा टी। एच हो जाएगा hrt = h0 इलेस पावर आईटा की वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ओमेगा टी। तो देखिए इससे हमारा ई नॉट एच नॉट जो दोनों हैं वो वैक्टर्स कॉन्स्टेंट होते हैं टाइम के सापेक्ष, मतलब समय के साथ वो स्थिर सदिश होते हैं। और की जो हमारा होता है वो प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है, दैट मीन्स संचरण नियतांक सदिश होता है। और की कैप जो होता है हमारा वो बताता है डायरेक्शन प्रोपगेशन, मतलब ये यूनिट वेक्टर होता है प्रोपगेशन के डायरेक्शन में, मतलब संचरण की दिशा में ये एकांक सदिश होता है। अब मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आता है, डेल डॉट डी ए वो हमारा इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स के वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा हमारा वो इक्वल टू जीरो होगा, हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। और के वेक्टर डॉट एच वेक्टर जो होगा हमारा वो सेकंड मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन से बोल सकते हैं, वो भी जीरो होगा। दैट मीन्स ये दोनों से हम लोग को क्या पता चल रहा है, ई और एच दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो ई और एच दोनों डायरेक्शन प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये दोनों ट्रांसवर्स होते हैं। ई जो इलेक्ट्रॉन की वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, मतलब अनुप्रस्थ होती है प्रकृति के अंदर। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन वेव्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। थैंक यू।